हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे टेक गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने अपने कंप्यूटर ट्रैब में एक पोस्ट डाला था कि क्या आपको म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का ईएफ का कमेंट आ रहा था, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया एप्लीकेशन का नाम। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन का नाम आप लोग कमेंट कर रहे थे, वही एप्लीकेशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों आज मैं इस एप्लीकेशन में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे साइनअप करना है और थोड़ा मतलब बेसिक उसमें आपको सेटिंग बताऊंगा जो आपकी आपको कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपने हमारे टेक गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है ग्रो एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको 600 पहले बोला जाएगा साइनअप करने के। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही पुराना एप्लीकेशन है और मार्केट में बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत ही अच्छा इस एप्लीकेशन में फंडिंग हो रही है। तो दोस्तों, अगर जो आपको ग्रो एप्लीकेशन के बारे में अच्छा लग रहा हो और आप पहले सर्च कर लीजिए, ग्रो एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ले लीजिए। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है तो ही आप कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब दोस्तों, हम जाते हैं अपने स्क्रीनशॉट वाले ऊपर, उसके बाद वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको कैसे कैसे साइनअप करना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जाता हूँ, जब एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको साइनअप करने के लिए नेक्स्ट करना रहेगा। एक बार फिर रुकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, मतलब 15 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस तरह करना है। फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा कंटिन्यू विद गूगल या ईमेल आईडी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिए। गूगल डालने के बाद आपके सामने आपका मेल आईडी फायर का सारा शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको कर लेना है। और करने के बाद बोला जाएगा यहाँ पे आपकी आपका मोबाइल नंबर आप अपना प्रेस कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, तुरंत ही आपको यहाँ पे ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप दोस्तों ओटीपी डालेंगे, तुरंत आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद बोला जाएगा इंटर योर पिन नंबर। दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है। दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन ट्रस्टेड नहीं रहेगा, लीगल नहीं रहेगा, तो मार्केट में बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन अच्छा खासा चल रहा है तो आई होप कि वीडियो अच्छा ही होगा, एप्लीकेशन अच्छा ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर पैन नंबर बेहिची डालना है, डालिए बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं मेरा पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे, मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर शो हो जाएगा। जो आपको नाम हो रहा है सही, तो फिर कंटिन्यू कंफर्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इंडियन है या NRI है, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद ये डालने के बाद तुरंत ही आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आएगा कि ऐड नॉमनी, ठीक है। आपको नॉमनी रखना है तो आपको यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं करना तो यहाँ पे टिक मार करके नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे दोस्तों, आप यहाँ पे नॉमनी के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो भी आपको नॉमनी रखना है, जैसे पापा मम्मी कोई भी किसी को करना है कर लीजिए। और फिर यहाँ पे आपको रिलेक्शन वाले बॉक्स पे सिलेक्ट रिलेक्शन कीजिए, ठीक है। आपका जो नाम आपने डाला है, जैसे कि मैं अगर जो नाम डाल रहा हूँ मेरे भाई का, तो यहाँ पे मेरे भाई का नाम मैं डालूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट रिलेक्शन पे करने पर मैं वहाँ पे बर्दर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से बोला जाएगा वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका IFSC कोड डालना है। जो आपको नहीं पता तो आप अपना पासवर्ड उठाइए, वहाँ पे ऊपर ही दिया रहेगा IFSC कोड। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे डालेंगे, तुरंत आपको ये हो जाएगा कि हाँ, आपका ये IFSC कोड है और कंफर्म योर बैंक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, स्टेट उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और ब्रांच नेम मानपुर बाबू है। अगर जो आपका कन्फर्म नेम सही है तो आप यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिए। फिर आपको बोला जाएगा यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जब अकाउंट नंबर डालेंगे तो कंफर्म मतलब हाइड रहेगा और यहाँ पे डालेंगे तो शो रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत लोग डरते होंगे कि बैंक क्या डालूंगा तो पैसा कट ना जाए। बैंक डालने पर कोई पैसा कटता नहीं है, बल्कि आपको वेरीफाई कराने के चक्कर में आपको 1 रुपया बैंक वाला खुद देता है, ठीक है। ये भी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मुझे पैसा मिला है। यहाँ पे जैसे आप डालेंगे, तुरंत आपको एक मैसेज आ जाएगा, बोलेगा कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं आपको 1 रुपया, और आप चेक कर लीजिए मिला है कि नहीं मिला है। जैसे आपको चेक हो जाएगा कि हाँ आपको मिल गया, तुरंत आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे देखिए, मुझे मिल गया था, तुरंत इनिशियट एक मिल गया था, क्रेडिट अकाउंट 1 रुपीज FBI अकाउंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करना रहेगा। अगर जो आपका ऑलरेडी कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आपको यहाँ पे करना रहेगा साइन। साइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आएगा, ठीक है। ये बॉक्स में आपको ऐसा मतलब आपको जो भी नाम है, नाम ऐसा साइन जैसा करते हैं, यहाँ पे कर दीजिए। अब दोस्तों, साइन अप करने के बाद तुरंत ही आपको बोला जाएगा कंग्रेचुलेशन, योर अकाउंट क्रिएशन इज सक्सेसफुल, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह होम पेज आ जाएगा।
जाएगा। होम पे जाने के बाद देख लीजिए, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आपका होम पे जाएगा तुरंत आपको बता जाएगा योर अकाउंट हैज़ बीन, योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड टू ग्रो टू वेरीफाई आर एफ वन पे क्रेडिट। ठीक है, अब ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको लेके आते हैं कुछ बेसिक सेटिंग के ऊपर, जो कि आपको जान लेना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों इसमें आउट क्या करते हैं दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में दो वीडियो बनाना चाहता हूँ। एक तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, जब आप पे एप्लीकेशन को बंद करेंगे और फिर चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल का लॉक रहता है, लॉक का पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं मेरा पासवर्ड डाल के यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे आइए यू पे, यू पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर सब चीज़ आ जाएगा और आपके वॉलेट में कितना पैसा है। पर्सनल डिटेल आप चेक कर सकते हैं, बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं, टैक्स एक्सटर्नल फंड चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका जो एनुअल इनकम होता है 2.5 लाख रुपये से अगर जो ऊपर होता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको मतलब पैन कार्ड डालेंगे और नहीं डाल पैन कार्ड और 2.5 लाख रुपये से कम है तो नहीं डीबी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप जो पैसा डाले हैं यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में शो हो जाएगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, या तो यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आप कितना कितना पैसा कमा चुके हैं। ठीक है, फिर आप जाते हैं एक्सप्लोरल में। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको मिल जाएगा, रिफर एंड अर्न का ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको इसमें काम भी नहीं करना है तो क्या करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों रिफ़र करके आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से ले सकते हैं। रिफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे रिफ़र इनवाइट एंड अर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये दोस्तों आपको 100% मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको विनिंग चांस रहता है 1 रुपये से लेकर 50 रुपये तक, लेकिन जो कोई का जो मेन जो होता है ये बता रहा है गेट 1 ग्रीन कार्ड व्हेन योर फ्रेंड इन्वेस्ट टू मोर देन 2000। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रीन कार्ड जब आपका दोस्त इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलता है 2000 रुपये तक का एक कार्ड। वो दोस्तों आपको 1 रुपये भी हो सकता है, 2000 रुपये भी हो सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है अर्न अप टू 10,000 रुपीज पर इनवाइट। आप यहाँ से एक रिफ़र करके भी 1000 रुपये तक कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये एप्लीकेशन, और आई होप कि आपको पसंद भी आ रहा होगा। और दोस्तों अगर अधिक जानकारी के लिए इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे एक टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन मिल जा रहेगा। आप यहाँ से एक टर्म एंड कंडीशन ओपन करके देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए क्या है इसका टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जानकारी यहाँ पे मैं आपको मिस कर दूँगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मैं कल या परसों एक नया वीडियो बना के दे दूँगा, जो कि आपको ऊपर आई बटन में भी और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग वो वीडियो नहीं देख रहे हैं वो भी लोग भी वीडियो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आज मेरा साइनअप करने का प्रोसेस, और आपको मैं कल या परसों एक म्यूचुअल फंड करके दिखा दूंगा कि इसमें देखिए इतना पैसा करके आप कर सकते हैं। और आपको दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी मेन बात होती है कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे ही आप कोई भी म्यूचुअल फंड ओपन करेंगे वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप सीधे बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ कल या परसों वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से इन्वेस्ट का प्लान समझा दूंगा, कैसे कैसे इसमें क्या क्या रहता है, सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों मतलब कुछ ही दिनों में आप लखपति भी बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।